तो कल हम लोग लेक्चर 12 में समृद्धि के भाव को लेकर बहुत सारी चर्चा किए थे। उससे पहले हम लोगों ने संयम के भाव पे बात की थी। तो संयम के भाव पे जब ध्यान देते हैं तो उससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो शरीर के स्वास्थ्य का अर्थ क्या है वो समझ में आता है और उसको हम पूरा भी कर पाते हैं। ऐसी समृद्धि का अर्थ क्या है ये समझ में आता है और उसको हम पूरा भी कर पाते हैं। तो जब मैं देखता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा साधन है, मैं शरीर के साथ हूँ, तो शरीर प्रति मेरे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव बनता है ताकि साधन का मैं सही से सदुपयोग कर पाऊँ और सदुपयोग करने के अर्थ में उसका पोषण कर पाऊँ, संरक्षण कर पाऊँ और फिर उसके लिए आवश्यक सुविधा भी जुटा पाऊँ। तो जब मैं शरीर का सही विधि से पोषण संरक्षण सदुपयोग करता हूँ तो शरीर स्वस्थ रहता है, एक साधन के रूप में काम करता है और मुझे इससे सुविधा की आवश्यकता का भी ठीक ठीक पता चलता है। ये भी दिखता है कि श्रम करना मेरे शरीर की भी आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं सिर्फ उत्पादन करने के लिए श्रम करना है, श्रम करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। तो लगता है कि वैसा दिखता है कि फिर श्रम करना भी स्वाभाविक है, उत्पादन करना भी स्वाभाविक है। तो समृद्धि का भाव बिल्कुल एक स्वाभाविक तौर पर दिखाई देता है कि ये तो हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समृद्धि को अभी हम सुनिश्चित नहीं कर पाते सुविधा संग्रह के बावजूद, वो हमको एक सहज कार्यक्रम दिखाई देता है। तो सुविधा की आवश्यकता सीमित है ना, उसको उत्पादन करने के लिए प्रकृति में पर्याप्त व्यवस्था बनी हुई है। श्रम करना मेरे शरीर की आवश्यकता है, श्रम करता हूँ तभी शरीर स्वस्थ रहता है। तो दिखता है कि तो मेरी शरीर की जो आवश्यकता है वो सहज रूप से पूरी हो सकती है कि नहीं। अभी भी आप देखें तो प्रकृति में इतनी व्यवस्था बनी हुई है कि हर व्यक्ति के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। अगर हम अपने शरीर की कार्य क्षमता को देख पाए, समझ पाए, उसका सदुपयोग कर पाए तो बिल्कुल उसको पूरा कर सकते हैं, जिससे हम भी समृद्ध होते हैं और प्रकृति भी संवर्धित होती है। जो बात फंसती है बेसिकली संबंध के निर्वाह में फंसती है और उसके लिए अपने में ठीक से काम करना है, क्योंकि अभी हम जो दूसरों से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने में लगे रहते हैं इससे हमारे संबंध बिगड़ते रहते हैं। पर ऐसा इसलिए करते हैं जो हमें समझ के लिए काम नहीं कर रहे। जी इतनी बात हम लोगों ने कल की भी थी। ये भी दिखता है अपने को कि समृद्ध होने की पहचान है कि मैं दूसरे का पोषण करने की सोचता हूँ, दरिद्र होने की पहचान है कि मैं दूसरे का शोषण करने की सोचता हूँ। मैं समृद्ध होता हूँ तो सदुपयोग करने की सोचता हूँ, दरिद्र होते हैं तो हम वहाँ पे संग्रह करने की सोचते हैं। तो इन बातों को अपने आप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कल भी हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया था। तो अभी दिखाई देगा कि समाज में दो तरह के लोग हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र और सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र, जबकि होना चाहते हैं सुविधा संपन्न और सुखी समृद्ध। जी ये तो सब बातें हम लोगों ने पहले भी की हैं। जी भैया क्लिक कर लीजिएगा। तो जब हम सुविधा की आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान कर पाते हैं तभी हम सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध हो पाते हैं। अगर सुविधा की आवश्यकता की पहचान ही नहीं हुई है, या तो कैटेगरी 1 में होते हैं या कैटेगरी 2 में होते हैं और उलझन बनी रहती है। जी भैया तो ये पॉसिबल हो पाता है ना, जब हम सुविधा की आवश्यकता की सही पहचान करता है। और उसी क्रम में दिखता है कि सुविधा के 3 ही प्रयोजन है, शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण, शरीर का सदुपयोग। इन तीनों प्रयोजनों के लिए सुविधा की आवश्यकता हमको सीमित दिखाई देती है। प्रकृति को भी देखें तो प्रकृति में जितनी मेरी आवश्यकता उससे बहुत ज्यादा उपलब्ध है कि नहीं। कई बार हम लोग ने आंकड़े दिए, दिखता है कि उत्पादन करके श्रम करके हर व्यक्ति अपनी सुविधा की आवश्यकता पूरी कर सकता है, स्वस्थ रह सकता है। तो ये जो समृद्धि एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है उसको हमको दिखता है कि सहज रूप से पूरा हो सकता है ना, समझ और संबंध के साथ। इस पर भी पहले बात हुई है कि जो समान रूप से जो गलत फहमी है, ना समझी है, वो ये है कि हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं। तो जैसे अपने आप को शरीर मान के जीते हैं तो अपनी आवश्यकता को हम सुविधाओं से पूरा करने जाते हैं और जो निरंतर बनी रहने वाली आवश्यकता है उसको सीमित सुविधाओं से पूरा करने जाते हैं और फिर यहाँ फंस जाते हैं। ये हर स्टेप पे गलती होगी। तो जी भैया पूरा क्लिक कर दीजिएगा इसको, इस पूरे स्लाइड को। तो फिर क्या होता है कि हमें कुचक्र में फंस जाते हैं। मेरी चाहना निरंतर सुख की है, जो भी सुविधाएं मैं उपलब्ध कर पाता हूँ वो सीमित होती है, सामयिक होती है और उससे जो कुछ उपलब्धि होगी अगर हम उससे भाव को सुनिश्चित करने आए तो ना तो निश्चितता है, ना निरंतरता है, ना स्वाभाविकता है और परतंत्रता भी है बाहर। तो उसकी सीमा को फिर हमको लगता है बढ़ाते रहना है,
ना, हम अभी जीवन का विकास इसी मानते हैं कि सुविधाएं बढ़ती चली जाए, कितनी बढ़ जाए कोई सीमा नहीं है ना, बोलते भी स्काई इज द लिमिट। अभी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स आते हैं कि आप बिलीनियर क्यों नहीं हो, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप बिलीनियर क्यों नहीं हो, स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आप प्राइवेट जेट में क्यों नहीं घूमते हो, आप क्यों इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करते हो। तो ऐसे ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स भी आपको दिखाई देंगे। अब क्या है, हमने पूरे बच्चों की मानसिकता वैसी अगर बना दी कि उनको हर एक को प्राइवेट जेट में घूमना है, पूरी दुनिया में घूमना है ना, धरती पर्याप्त नहीं है घूमने के लिए, स्पेस में भी घूमना है। अब ये सुख के लिए हम कितना संग्रह करेंगे, कितना भोग करेंगे, निश्चित ही नहीं है कि नहीं, तो फिर ये असीमित सुविधा संग्रह में लग जाते हैं, उसी के लिए कॉम्पिटिशन, उसी के लिए द्वेष, उसी के लिए विरोध, उसी के लिए हिंसा, उसी के लिए युद्ध, ये सब चलता रहता है और अपने आप में दरिद्रता का भाव बना रहता है। ये कुचक्र में फंस जाते हैं, इस समय दरिद्रता का भाव बना हुआ है, इसीलिए सुविधा को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कितना बढ़ाना है निश्चित नहीं होता, तो जितना भी बढ़ा के लाते हैं वो कम पड़ता है, फिर उसको बढ़ाने जाते हैं, जो कॉमन फैक्टर है कि दरिद्रता का भाव बना रहता है ना। तो अभी आप समाज में देखें तो चाहे किसी के पास 1 लाख रुपए हो या 1 लाख करोड़ रुपए हो, जो कॉमन फैक्टर है वो दरिद्रता का भाव है, वो बना ही रहता है जब तक सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट ना हो। अगर सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है तो हमको दिखता है कि ऐसा क्यों हो कि पूरी सुविधा हमारे पास आ जाए। तो अगर हमारे पास कार्य क्षमता है, अगर हमारे पास स्किल है, तो मैं उससे ये प्रयास करता हूँ कि हर परिवार समृद्ध हो, ना कि पूरे समाज का पैसा उठ के मेरे घर में आ जाए। तो मैं अपनी आवश्यकता भी पूरी कर सकता हूँ और समाज की आवश्यकता को पूरा करने में भागीदारी भी कर सकता हूँ। नहीं, अभी भी दिखाई देता है कि हमारे देश में भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो GDP में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो कठिनाई यह है कि चाहे व्यक्ति अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो, सुविधा की आवश्यकता की पहचान अगर नहीं हुई है तो ये स्थिति बनी रहेगी। भैया जी, हम जैसे समृद्धि की बात कर रहे हैं तो मैं भी जब से जीवन विद्या परिवार से जुड़ी हूँ तब से ये मन में भाव आता है कि आइए चाहिए, ये हमारी नीड है, ये समझ में आता है, पर कैसे इससे अपने आप को रिजॉल्व करूं ये नहीं अभी तक समझ में आ रहा है। मैं पिछले 5 साल से ये चीज समझने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो जैसे इन सालों में ये हुआ कि मैं भूतकाल की पीड़ाओं में मेरे में कमी आई है, मैं ये अपने अंदर देख भी पाती हूँ। जैसे अभी भी आप हमेशा सेशन लेते हैं तो ये चीज पे मेरा ध्यान जाने लगा कि इन सेशन के दौरान पहले तो मैं 2 मिनट भी आंख बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करती थी, और आंख बंद करती थी तो या तो बहुत रोना आता था, रोना तो ऐसे ही आते रहता था, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब अपने अंदर जमा हो गई थी इन 50 सालों में, तो उस चीज में मैंने देखा। पर भविष्य की चिंता से मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अभी निकल पाई हूँ, मतलब ये तो है ही अंदर बना हुआ, इनसिक्योरिटी भी है ही है, और समृद्धि का भाव चाहते हुए भी चूंकि इनसिक्योरिटी है तो उस चीज को मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं अपने आप में देख पा रही हूँ। तो मैं ये समझना ही चाह रही हूँ कि मैं कैसे इसको रिजॉल्व करूँ, क्योंकि भविष्य की चिंता बिल्कुल ना हो ये भी नहीं समझ, मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ मैंने ऐसा समृद्धि के लिए स्वावलंबन का कुछ नहीं किया है, तो आई एम होम मेकर, तो सेल्फ खुद कुछ कमा रही हूँ ऐसा भी नहीं है, पीड़ाएं भी है, जो जैसे मैं बोलती हूँ कि बीइंग अ हाउसवाइफ, एक बचपन से जैसे पहले फादर पे डिपेंडेंट थी, 25 साल से हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, मतलब पहला 25 साल, अभी का 25 साल हस्बैंड पे, और अब आगे दिखता ही है कि देखो अब बेटा आ गया, और वो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं अगला 25 साल अब बेटे पे डिपेंडेंट रहूँ, तो मेरे में बल्कि एक ये मानसिकता आ गई है कि मैं पहले 25 साल अपने नाम के बाद फादर का नाम लगाती थी, अब 25 साल से मैं हस्बैंड का लगा रही हूँ, तो आगे मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं बेटे के साथ इस स्थिति को जीऊं कि मैं अब तुम पे डिपेंडेंट हूँ, तो मैं तो बल्कि पीड़ा बढ़ते हुए दिख रही है ये मुझ में, कि नई वाला माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि नहीं अब ये चीज नहीं होना है मुझे इन फ्यूचर, तो मेरे में इस चीज की पीड़ा बढ़ती हुई दिख रही है,
और जो विश्वास फादर के साथ था वो कभी इनसिक्योरिटी आई नहीं थी 25 साल में, पर उसके बाद के 25 साल में जो भी मेरे साथ हुआ उससे के कारण जो मेरी पीड़ाएं कलेक्ट हो गई उसके कारण मुझे भय, अब मतलब जो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, ये तीनों इन 25 सालों में भर गया मेरे अंदर। तो पीड़ाएं कम हो रही है पर ना वर्तमान से विरोध कम हो रहा है ना भविष्य की चिंताएं कम हो रही है। और समृद्धि तो फिर ऐसे लग रहा है कि कैसे आएगी और कब आएगी, मतलब आप जब बात भी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क बहुत घूम रहा है अंदर, ऐसे बड़ा बड़ा दिखते जा रहा है, कैसे रिजोल्व कर पाऊंगी इस चीज को, और उसके लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बाबा जी का इतने साल से जी, अभी मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, है ना। तो ये जो हम ऐसा मान रहे हैं कि अभी डिपेंडेंट है, तो आप डिपेंडेंट हैं या परिवार में इंटरडिपेंडेंस है? तो आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट, हस्बैंड आप पे डिपेंडेंट है, तो जैसे ये हस्बैंड, ये हम मानते हैं वो नहीं मानते ना भाई। नहीं अभी तो ये समझने की बात है, तो हमको लगती है, हमको पता है इसलिए हम बोल पाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि एक परिवार में जहाँ वुमेन हाउस वाइफ है वहाँ कोई हस्बैंड ऐसे मानता है, इवन मेरा भी नहीं, तो कोई अभी हस्बैंड ये मानता है कि वो हस्बैंड क्या मानते हैं, एक मिनट, अभी हस्बैंड क्या मानते हैं नहीं मानते हैं ये इशू नहीं है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। कभी तो परिवार में हम सम्मिलित रूप से भागीदारी करते हैं, कोई व्यक्ति है बाहर उत्पादन करते हैं, कोई व्यक्ति है घर में उत्पादन करते हैं, कोई व्यक्ति है संवर्धन करते हैं, तो कोई संरक्षण करते हैं। तो परिवार में तो हम सबकी अपनी अपनी भागीदारी होती है, तो ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि परिवार में हर व्यक्ति जाकर अपने लिए अलग से उत्पादन करे, है ना, आवश्यकता है तो कर ले बट अनिवार्यता नहीं है। जी जी ये आप ठीक हो गए, पर इन दिस सिचुएशन सुन लीजिए पूरा, इसको पूरा सुन लीजिए, तो ये अनिवार्यता नहीं है, आवश्यकता हो सकती है ना, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि ये सार्वभौमिक हो कि हर परिवार में हर व्यक्ति जाकर उत्पादन कर रहा है या हर व्यक्ति जाकर परिवार से बाहर श्रम करके ही ला रहा है कुछ। तो हम तो अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं, और देखिए तो परिवार में पूरकता होती है, तो जैसे माँ है वो बच्चे का केयर करती है, जिस प्रकार से माँ बच्चे केयर करती है पिता नहीं कर पाते, शरीर की बनावट अलग है, पिता जिस तरह से बच्चे के लिए सुविधा जुटाते हैं शुरुआती दौर में वैसे माँ नहीं कर पाती क्योंकि शरीर की बनावट अलग है, वैसे छोटा बच्चा जो परिवार में कर रहा है उसकी शरीर की जिस तरह की भी बनावट है वो माता पिता से भिन्न करता है, जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चा फिर उत्पादन कर रहा होता है, आपका ध्यान रख रहा होता है, तो ये तो परिवार में भागीदारी होती है, इसको हम डिपेंडेंस कहें या इंटरडिपेंडेंस कहें, क्या ठीक रहेगा? शब्द कुछ भी दे दे, इंटर या डिपेंडेंस, डिपेंडेंट तो है ही, अब भले इंटर लगाए तो या हर व्यक्ति डिपेंडेंट है ना, एक मिनट, फिर तो परिवार में हर व्यक्ति हर दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखिए मुद्दा फिर यहाँ सम्मान का है, ना तो सुविधा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, कहीं सम्मान का भाव नहीं सुनिश्चित हो रहा। और सम्मान का भाव ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए जब खुद सुविधा जुटाता हूँ तभी पूरा होता है, हो सका तब भी ना हो, तो सुविधा का सम्मान से कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है। इनफैक्ट जो आप बात कह रही हैं वो यहाँ से कनेक्ट होता है कि बेसिकली आवश्यकता सम्मान की है। अब हमें आज के दिन लग रहा है कि चूंकि हम अपने लिए खुद से सुविधा जुटा के नहीं लाते परिवार के बाहर से, इसलिए मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, अगर हम भी जाके खुद अर्न कर रहे होते तो सम्मान मिलता परिवार में, ये निश्चित नहीं है। हम खुद भी जाकर अपने लिए अर्न करने लगे बट परिवार मुझे इसके लिए सम्मान देगा, कोई निश्चित नहीं है, न अर्न करे तो सम्मान नहीं देगा, ये भी निश्चित नहीं है। दिख रहा है इसीलिए पूरी वुमेन्स जॉब करने निकल पड़ी है ना आज की स्थिति में, तो ये दिख रहा है डेफिनेटली, मतलब यही कारण है वुमेन्स का जॉब करना, वर्क करना, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो मैक्सिमम, मतलब मैं मेरे घर में माय डॉटर इज 24, तो वो भी यही बोलती है कि देखो आप जिस चीज से पीड़ित हुए हो ये वो रोज घर पे देखती है, तो आप मेरे को पहले ये फिक्स है कि मैं अर्न करूंगी और अपना स्टैंड होंगी, है ना, क्यों, क्योंकि आपने परेशानी भुगती है मैं वैसा नहीं भुगतना चाहती, तो ये मैं मेरे घर में भी देख रही हूँ और मैं पूरे मेरे परिवार में भी देख रही हूँ, फिर मैं समाज में भी देख रही हूँ, क्यों वो मैं जॉब करने के लिए जा रही, तो उसका एक ये रीजन है। अगर आपको लगता है मैं, मेरी ये मुझे गलती भी दिख रही है कि मैं भी तो आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन, मैंने भी इतनी स्किल ली थी कि मैं अर्न कर सकती थी, पर मैंने ये प्रायोरिटी दी कि मेरी प्रायोरिटी में मेरे दो बच्चे थे, और मैंने उस समय यही सोचा
कि मैं जाकर जॉब करके कुछ पैसे ही कमा पाऊंगी, पैसे कमाने से मैं ठीक है मैं नहीं कमाऊंगी उसको, अर्न करके मैं थोड़ा ज्यादा सेविंग कर पाऊंगी या ज्यादा कपड़े और ज्वेलरी ले पाऊंगी, पर उससे मैं बच्चों को थोड़ा शायद मैं टाइम कम दे पाऊंगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बाहर का घर लेकर आऊंगी, ये सभी मैंने कैलकुलेशन किया था, इसीलिए मैंने वो चीज चूज नहीं की थी कि नहीं अच्छी परवरिश करना ये मेरी जिम्मेदारी है, घर अच्छा रखना ये मेरी जिम्मेदारी। तो ये सारा जो मैंने सोचा था, आज एट द एज ऑफ 50 आई ऑल्सो फीलिंग दिस थिंग स्ट्रांगली इट इज माई मिस्टेक, क्योंकि अभी रुक यदि जाइए, मैं अभी अर्न रुक करती तो जाइए, मैं बाहर सुनने तो स्टैंड देखिए, होती थी दिन भर अपनी घर में पीड़ा को, अजय खेलने में। सुन लीजिए इसको, अभी हम अपनी पीड़ा को चाहे 1 घंटा रख ले, है ना, उससे समाधान नहीं निकलता। हमें समाधान के लिए सही वस्तु पे ध्यान देना होता है। तो जो अभी आपने बातें कही, जिस भाव से आपने ये निर्णय लिए, ठीक है ना, ये अगर भाव कम्युनिकेट हो पाए परिवार में, आपके बच्चे में, है ना, या हस्बैंड में, तो क्या स्थिति वही रहेगी या बदल जाएगी? उनको कम्युनिकेट हो तो बदल जाएगी, पर हाँ, भाव तो बदल मैं नहीं है जाएगी। तो नेक्स्ट मेरे रुके, तक। सुन लीजिए इसको। तो मुद्दा ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो मुद्दा सुविधा का नहीं है, मुद्दा आपस में संवाद नहीं हो पा रहा, एक दूसरे के भाव को हम समझ नहीं पा रहे। तो उनको भी ये दिखता है कि जिस तरह का आपने एजुकेशन लिया है, जिस तरह की स्किल्स है आपके पास, तो आप अपने लिए सुविधा कमाने में सक्षम थी, मगर परिवार को प्रायोरिटी देते हुए, बच्चों के भरण पोषण को प्रायोरिटी देते हुए आपने वो निर्णय नहीं लिया, अपने परिवार में रहकर उसका ध्यान देने का निर्णय लिया। तो अगर दूसरा व्यक्ति इसको अप्रिशिएट कर पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है, तो ये समस्या नहीं रहेगी। फिर ये भी हो सकता है कि अगर बच्चों को ये कम्युनिकेट हो कि जहां आप उनका केयर कर सकती थी, उनको एक तरफ रख के आपने सुविधा कमाने पर ध्यान दिया, तो हो सकता है और सम्मान घट जाए आपके प्रति, और यदि ये बात कम्युनिकेट हो जाए तो सम्मान बढ़ जाए। तो मुद्दा सम्मान का है, मुद्दा आपस में भाव के एक दूसरे तक पहुंचने का है, मुद्दा सुविधा का नहीं है। अगर वहां पे बच्चों के ही मतलब पोषण संरक्षण के लिए सुविधा कम पड़ रहा होता, और फिर आप बाहर निकलती और कमा के लाती, तो बच्चों के अंदर इसकी स्वीकृति बनती। घर में सुविधा पर्याप्त थी इसलिए आप गई नहीं और बच्चों पे ध्यान दिया, इसकी भी स्वीकृति बनती है। तो मुद्दा तो यहाँ पे एक दूसरे को समझ पाने का, एक दूसरे के भाव को देख पाना, स्वीकार पाने का है ना, सुविधा का मुद्दा नहीं है। ये हम बारीकी से देख नहीं पाते, नहीं देख पाते तो फिर हम नहीं, सुविधा पे हमको शिफ्ट हो समझ जाते हैं। में आ रहा है, पर इसके लिए हम अपने पे काम कर सकते हैं, दूसरे को तो कुछ समझा ही नहीं सकते हैं ना, और समझाना अभी भी नहीं हम एक आता दूसरे, अभी है। रुके रुके, ये पूरे सेशन में क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को समझने समझाने का ही तो काम कर रहे हैं। ये काम जो हम अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, परिवार में भी कर सकते हैं। अभी हम को अब देखना पड़ेगा कि हम अपने आप से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि नहीं, हम दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा कहाँ कहा जा रहा है कि हम दूसरे को समझा नहीं सकते, पूरा प्रोग्राम ही दूसरे को समझाने और स्वयं में समझने का है। अभी हम लोग, है ना, इतने सारे साथी साथ में जुड़कर एक दूसरे को समझने और समझाने का ही तो काम कर रहे हैं। जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वो परिवार में भी कर सकते हैं। देखिए, हमको खुद ही क्लैरिटी नहीं होती, हम उलझ जाते हैं और हमारे अंदर फिर शिकायत भरा रहता है, फिर उस शिकायत को दूसरा व्यक्ति एक समय तक सुनता है, फिर हमारी ओर ध्यान देना बंद कर देता है। तो आपको दो चीजें दिखाई दें, एक तो मुद्दा सुविधा का नहीं है, भाव का है, ठीक, और उस सुविधा से पूरा हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर से बाहर निकल के जॉब करके पैसा ला रही होती है, तो उससे आपको परिवार में प्लेसमेंट मिल जाता, सम्मान मिल जाता, ऐसा निश्चित नहीं है। तो एक तो ये हमको दिखाई दे कि मुद्दा भाव का है, सुविधा का नहीं। दूसरा ये भी दिखाई दे कि भाव की आवश्यकता साथ साथ पूरी हो सकती है, समझ के आधार पर, सुविधा से नहीं पूरी होगी ये भाव की आवश्यकता, है ना। भाई अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ये टीवी मैंने खरीदी इसलिए मैं चलाऊंगा, तो हम अपनी दूसरी टीवी खरीद के लाए, ये टीवी मैंने खरीदी इसलिए मैं चलाऊंगा, इससे परिवार में कोई सुख हो जाएगा, संबंध का भाव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सुविधा का मुद्दा नहीं है, भाव का मुद्दा है, और भाव की आवश्यकता समझ से पूरी होती है, सुविधाओं से नहीं, ये हमको दिखाई दे। तो आपस में हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, साथ साथ बैठ के संवाद नहीं कर पाते, और खुद में जो विचार भी करते हैं उसमें समाधान नहीं होता, तो कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए क्या ऑप्शन है भैया? संवाद तो देखिए हम मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ भी पा रही हूँ और मैं समझना भी चाह रही हूँ, है ना, पर मैं समझना चाह रही हूँ परिवार देखिए, का हर। समझना सभी चाह रहे हैं, देखिए 1 मिनट के रुके, चाहते सभी ये समझना, बट इतना ही भर हो सकता है कि मान्यताएं अलग अलग बन गई हैं। किसी को लगता है कि
इस तरह से दूसरे से बात करके समझा जा सकता है, किसी को लगता है नहीं पुस्तक पढ़ के समझा जा सकता है, किसी को लगता है एकांत में बैठ के समझा जा सकता है, किसी को लगता है कि है ना पैसा कमा के समझा जा सकता है, देखो ये भी समझना लगता है इसलिए ना कि चाहते हैं। मैं तो बस समझदार हूँ, मुझे कोई समझा ही नहीं सकता है, मैं ही सबको समझा सकता हूँ, ऐसे भी तो भावना देखिए ऐसा रहती एक समय तक सभी मानते हैं, ऐसा कोई एक दो व्यक्ति है ऐसा नहीं, एक समय तक सभी अपने आप को समझदार मानते हैं, पर जब हमको लगता है कि नहीं समझने का प्रमाण यह है कि मैं निरंतर सुखी होकर जी रहा हूँ, निरंतर सुखपूर्वक जी रहा हूँ, तब फिर ध्यान देना हम लोग शुरू करते हैं। है। बढ़िया, इस पर दीदी ध्यान दीजिए है ना, और अलग से इस पर बात कर लेंगे। सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूं, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है भैया। ठीक है, इस पे अलग से बात कर लीजिएगा, वो जो दो बातें मैंने बताई वो मुख्य बातें हैं, बट और स्पेसिफिक कोई डिस्कशन हो तो अलग से आप हमें कॉल कर लीजिएगा, उस पे बात बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अभी तो रिफ्लेक्शन की बात है तो कुछ रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। अभी तो बात चल रहा है, एक मेरे तरफ से रिफ्लेक्शन या मेरा एक्सपीरियंस, जो दीदी बात कर रही थी ना, इट डजेंट मीन दैट दोज हु गो आउट एंड अर्न दे विल बी गिवन व्हाट एवर रिकॉग्निशन इन द हाउस। सो इट इज ए मूविंग लाइन, तो चलते चलते वो फिर से अपने और ही पॉइंट लेकर आता है। सो इट इज इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर सेल्फ। तो भाव तो निश्चय निश्चय होना चाहिए, और रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन हमें हमको देना है। सो इट डजेंट मीन दैट जो बाहर जाता है अर्न करके आता है उसको फैमिली में रिकॉग्निशन होता है, ये तो भ्रम है। हमारा हमारा फीलिंग होता है, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी उसी लाइन में हूँ। तो मोमेंट वी into ourselves, then we'll know that it doesn't depend on the others. It is what we think of others that the respect or participation or using of our this thing or place maybe we have to take it out for ourselves. So that communication part is really difficult with the other person. That I agree with her, but till that channel opens, we should be very, very patient. Otherwise, उलट पुलट हो जाएगा जीवन। जी तो ठीक बात। तो अभी देखिए इसमें मुख्य मुद्दा भाव का है, ठीक है ना। भाव का है, यस भैया, जी सुविधा का नहीं है, अगर परिवार सुविधा में का सुविधा का बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जो बेटे पे निर्भर करता है, फादर पे निर्भर करता है, ये सब नहीं है। और टाइमलाइन में अपना ओ ओ परसेप्शंस बदलते रहते हैं, यही निश्चय। जी नहीं रुकिए, तो उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। तो मुद्दा तो सुविधा का नहीं भाव का है, ठीक है ना। भाव का है। अगर परिवार में सुविधा की आवश्यकता की कमी हो रही है तो श्रम करेंगे, बाहर जाकर सुविधा उपार्जित करके ले आएंगे, उसको अर्न करके ले आएंगे। अगर सुविधा परिवार में पर्याप्त है तो उसका सदुपयोग करेंगे ना, समाज के अर्थ में, समाज की व्यवस्था करते हैं, परिवार के प्रकृति की व्यवस्था कर उसका सदुपयोग करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सदुपयोग करेंगे। यस भाई, तो जी तो ये मुख्य बात है, तो ये हमको दिखाई दे कि मुख्य मुद्दा सुविधा करनी। दूसरी बात, हम सबके अंदर श्रम करने की क्षमता है, हम सबके अंदर इस बात की क्षमता है कि अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर परिवार में भी हम रह रहे हैं तो वहां पे भी हम श्रम करते हैं, किचन में श्रम करते हैं, है ना, हम घर में बहुत सारा यस श्रम यस करते हैं। भाई, यस जी तो श्रम करने की क्षमता अगर हम वो भी ना करें, हम बाहर भी उत्पादन करके ना लाएं, घर में भी श्रम ना करें, तो फिर हम गलत निर्वाह कर रहे हैं। तो पर जो पहले भी बात हो रही थी कि शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में भी श्रम करना एक अनिवार्यता है, श्रम यस करने की यस जरूरत है। तो हम श्रम बाहर कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो श्रम करके हम भागीदारी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आवश्यकता है तो बाहर करेंगे, आवश्यकता है तो घर में करेंगे। अभी क्या हो गया है, बहुत सारे अगर आप देखें मेट्रो सिटीज में स्थिति हो गई कि लोगों ने अपनी आवश्यकता की पहचान ठीक नहीं की है, आवश्यकता बहुत बढ़ा ली है, इसके लिए पति पत्नी दोनों अर्न कर रहे हैं, है ना, दोनों अर्न दोनों करते परेशान है, हैं, सुविधा की आवश्यकता की पहचान नहीं हो पा रही, इससे समृद्धि का भाव नहीं आ पा रहा, बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पा रहे, बच्चे के अंदर भी उनके प्रति संबंध की स्वीकृति नहीं बन पा रही, उसके कारण परिवार में एक भय बना हुआ है, ओल्ड एज में कौन मेरे लिए करेगा, उसके लिए और अर्न कर रहे हैं, तो एक विशेष साइकिल बन गया है। तो अल्टीमेटली विच जो एग्जाम्पल मुद्दा है वी टेक, हाउ वी विल गो अबाउट इट,
जैसे मूवी लाइन है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो व्हेन द अंडरस्टैंडिंग लेवल्स आर देयर, सो लिविंग इज इट विल बिकम ए डे टू डे चैलेंज. भैया मेरा आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आपकी आ गई जी. तो इस पे हम ध्यान दें, है ना, कोई स्पेसिफिक इस पे और बात होगी, किसी को अगर पर्सनली कुछ अगर डिस्कस करना है तो हम लोग अलग से बात कर सकते हैं. बट ये दो चीजें दिखाई दे कि मुद्दा सुविधा का नहीं, मुद्दा भाव का है, और भाव की आवश्यकता समझ से पूरी होती है, सुविधाओं से नहीं. यस, आई एम करेक्ट इन माय ओन वे एंड द अदर पर्सन इज करेक्ट इन हिज ओन वे. टू लाइंस आर नॉट कमिंग टुगेदर, दैट रिग्रेशन इज नॉट हैपनिंग, सो दैट इज व्हाई दैट डिफरेंस इन ओपिनियंस एंड फीलिंग्स में अंतर पड़ रहा. जी यस भाई, बढ़िया दीदी जी. तो असाइनमेंट ग्रुप में ये है कि इफ वी आर एबल टू सी बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दैट नीड फॉर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस इज द नीड ऑफ द सेल्फ, इट इज फुलफिल्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ फैसिलिटी. तो अगर हमको सीधे सीधे दिखाई देता है कि मेरी आवश्यकता है निरंतर सुखपूर्वक जीना, और वो मेरी ही क्रियाओं से पूरा होता है, सुविधाओं से नहीं. जो ये बात हो रही थी कि सुख मेरी आवश्यकता है, सम्मान मेरी आवश्यकता है, वो मेरी ही क्रियाओं से, मेरी समझ, मेरे ही भाव से पूरा होता है, सुविधाओं से नहीं. तो इसके साथ अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमको सुविधा कितनी आवश्यकता है शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में और समाज में भागीदारी के अर्थ में. उसको हम ठीक ठीक देख सकते हैं, उसकी मात्रा को भी पहचान सकते हैं, ये भी देख सकते हैं उससे अधिक है कि नहीं, और ये भी देख सकते हैं कि हम प्रॉस्पेरस फील कर रहे हैं कि नहीं. इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना. तो चाहे हम बाहर जाकर सुविधा अर्न कर रहे हो ना कर रहे हो, मुख्य मुद्दा भाव का है, मुख्य मुद्दा सम्मान के भाव का है, समृद्धि के भाव का है, संबंध के भाव का है. फिर ये भी देख लें कि हमारे अंदर शरीर के प्रति संयम का भाव है कि नहीं. तो ये सब हम देख सकते हैं कि हम जब भोजन ले रहे हैं तो शरीर को नर्चर करने के अर्थ में है, या उस संवेदना से हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं. वैसे ही हम हाउ मच इज योर बॉडी अफेक्टेड बाय द स्टेटस ऑफ द सेल्फ, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर एंग्री व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉडी, मैं की स्थिति का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी हम देख सकते हैं. जब मैं आराम में रहता हूँ तो शरीर की क्या स्थिति होती है, जब मैं परेशान दुखी तनाव में होता हूँ तो शरीर की क्या स्थिति होती है. तो ये दोनों ही काम हम करके देखें तो आप पाएंगे कि ये भाव की आवश्यकता अगर पूरी नहीं होती तो हमको लगता है सुविधाओं के लिए और काम करना पड़ेगा, तो हम फिर ऊपर वाले प्रश्न में फंस जाते हैं, सुविधा की आवश्यकता तय नहीं हो पाती है ना. और फिर जब भाव की आवश्यकता हमारी पूरी नहीं हो रही तो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, तो शरीर में भी स्वास्थ्य की कमी हो जाती है. तो अभी देखें तो ये दोनों ही तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं. मतलब आप पाएंगे अच्छे खासे मतलब साधन संपन्न परिवारों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स, तनाव की प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब बढ़ती जा रही हैं. क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि सुविधाओं से संबंध की तृप्ति नहीं होती, सुविधाओं से स्वयं में सुख सुनिश्चित नहीं होता. तीन तीनों को ठीक ठीक प्लेस करने की जरूरत है. तो समझ के साथ हमें संबंध में सही भाव दिखाई देते हैं, है ना, वो हमारे अंदर सुनिश्चित हो पाते हैं, जिससे हमको उसका सुख मिलता है. समझ के साथ सुविधा की आवश्यकता की पहचान कर पाते हैं, और ये भी दिख पाता है कि उससे अधिक उत्पादन करने की क्षमता है. जैसे अभी आप देखिए, अभी हम लोग सुबह का एक घंटा लगा रहे हैं, किस बात की लगा रहे हैं, समझने की लगा रहे हैं. अब कोई हो सकता है इसे एक घंटे बैठ के शेयर मार्केट पे एक घंटा काम करे तो पैसा तो कमा ही लेगा, एक महीने ठीक से काम करेगा तो ठीक ठाक पैसा कमा लेगा शेयर मार्केट से, बट उसे सुख हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, समृद्धि का भाव आ जाएगा ऐसा तो नहीं है. तो हम सबके अंदर ये क्षमता तो है कि एक घंटा शेयर मार्केट को स्टडी कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बैठ के. नहीं कर रहे, समझने के लिए समय लगा रहे हैं, क्योंकि हमको उसकी प्रायोरिटी दिखती है. इस एक घंटे में हम एक दूसरे के सुख के अर्थ में संवाद कर रहे हैं, कोई अपनी समस्या रख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं. देखिए अभी रश्मि जी ने कोई बात कही, इतने सारे लोगों ने चैट बॉक्स में अपनी तरफ से इतने सारे सुझाव दिए, इतनी सारी बातें रखी, है ना, एक संबंध का भाव तभी तो रख पा रहे हैं. तो ये भी तो जिन्हें कार्यक्रम ही हमको दिखाई दे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एक घंटा हमको सुबह में समझने के लगाना है, या एक घंटा हमको सिर्फ मिलने जुलने के लगाना है,
या 1 घंटा हमको शेयर मार्केट पे लगाना है, क्या लगता है कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो सुबह का 1 घंटा हम समझने के लगाए ज्यादा अच्छा है कि नहीं? हाँ भैया, समझ के साथ संबंध और सुविधा कि हम जब समझने जाते हैं तो ये भैया इस कंटेंट के पहले भी थोड़ी सी समझ थी, लेकिन इस कंटेंट के बाद और क्लियरिटी आई है। लास्ट 6 मंथ से एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ तो समझ के साथ एक समृद्धि का भाव निश्चित देख पाता हूँ मेरे अंदर, और संबंधों में भी जो कन्फ्यूजन्स थे या जहाँ पर भी कुछ विरोध था वो भी धीरे धीरे कम होते हुए देख पा रहा हूँ। उस पर और भी अभी एक्सप्लोरेशन की मतलब जीने की जरूरत है, कंटेंट एक्सप्लोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जीने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कभी कभी कुछ रिएक्शंस बाहर या अंदर होती हैं, पर वो देख पा रहा हूँ कि कम होती जाती हैं। तो हम जब समझ की बात कर रहे हैं भैया, तो ये इंडिविजुअल में है, समझ मुझ में बढ़ानी है, और अगर दूसरा भी आश्वस्त है और अपनी समझ बढ़ाने में उसे कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो भी कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले शुरुआत परिवार से होती है, फिर कॉलेज समाज से भी होती है, और हर हर लेवल पर हर ऑर्डर पर मैं देख पाता हूँ कि मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित कर पा रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, और मेरी प्रायोरिटी में है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गई है, वो भी मैं देख पाता हूँ। और इसी के तहत क्लोज फैमिली मेंबर्स भी एक एक वर्कशॉप ले चुके हैं, डॉटर वाइफ और बाकी लोगों को भी थोड़ा बात चल रही है, तो अभी एक वर्कशॉप हो तो उसमें सिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया, तो और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, मित्रों को भी पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ा तैयार कर पाए हैं तो वो भी कर रहे हैं। तो भैया जब प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, तो समझ की बात आती है तो हम इंडिविजुअल की बात करें, जब प्रॉस्पेरिटी की बात आती है तो उसमें हम फैमिली पे भी जाते हैं, जब हमने समाज को समझने की बात की तो उसमें प्रॉस्पेरिटी को हमने फैमिली के साथ लिया, तो लेकिन वो समझ पूरी फैमिली मेंबर्स में नहीं आने से कहीं कहीं फैमिली की जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिसाइड नहीं हो पाती, हम अपने तल पे तो डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मेरे पास जो भी सुविधाएं हैं पर्याप्त हैं, और इसको अगर बढ़ाना है तो उसकी भी उसके लिए भी उपलब्ध है, बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। पर जैसे कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर परिवार अपना आपको समृद्ध फील नहीं करता, तो उनकी तरफ से कुछ इस तरह की इच्छा होती है कि जैसे हमारी कार एल्टो कार है तो हम इसको थोड़ा इससे ठीक पे चले जाएं, बहुत हाई फाई नहीं लेकिन थोड़ा इस पर ठीक से जाएं, पर मुझे उसकी कोई जरूरत नजर नहीं आती है, क्योंकि जो है उसका भी बहुत उतना उपयोग नहीं है और जो है वो पर्याप्त से ज्यादा है। तो लेकिन भैया उसमें कहीं कहीं थोड़ा संबंधों पे एक एडवर्स इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि सामने में अभी इतनी समझ बढ़ नहीं पाई है, तो ऐसे समय में भैया इसको बैलेंस करने के लिए क्या हम कभी कभी क्योंकि उस संबंध के भाव को देखते हुए वो सब उस समझ तक बढ़ पाए, तो क्या इस तरह के डिसीजंस में जा सकते हैं जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन हमारे पास उपलब्ध है, तो क्या उसमें जाना उचित होता है? थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए भैया जी। इसमें मुख्य बात यह है कि आप उस पर चले भी जाएंगे ना तो उसे कोई तृप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं, वो इंक्रीमेंटल शिफ्ट होता रहता है। तो आज ऑल्टो में है तो आपने उसे 1 लाख ज्यादा वाली कार ले ली है ना, वैगन आर ले लिया, और वैगन आर से भी तृप्ति नहीं है, फिर आपको लगता है कि स्विफ्ट लेना पड़ेगा, स्विफ्ट ले लिया तो फिर आपको आगे कुछ और लेना पड़ेगा, वो तो चलता रहेगा, एक बात हमको पहले से ही दिखाई दे, ठीक है ना। इससे जो आवश्यकता है वो नई वस्तु लाने का नहीं है या महंगी वस्तु लाने का नहीं है, आवश्यकता है कि अगले व्यक्ति में उसकी स्पष्टता हो और थोड़ा बहुत ही चलता रहे। देखिए ये भी एक आवश्यक भाग है कि अगर अगले व्यक्ति में समझ नहीं है तो सुख नहीं होगा, अगर मुझ में समझ नहीं तो मुझ में सुख नहीं होगा। तो हम इसको पहले से एक्सपेक्टेड रखते हैं कि भाई परिवार में हारमोनी नहीं है तो ये दिखेगी भी कि नहीं है, क्योंकि अगर अगले व्यक्ति में स्वयं में हारमोनी नहीं है तो परिवार में संबंधों में हारमोनी कैसे होगी। तो ये कोई अनिश्चित घटना है ऐसा नहीं, ये तो होना ही है, हमको पहले से दिखाई दे। और ये मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है कि अगले व्यक्ति की हर इच्छा को हम पूरा करते रहे, मतलब ऐसे समझने जाए, जिम्मेदारी ये है कि अगले व्यक्ति में सही समझ सही भाव हो, मेरे में सही समझ सही भाव, और जो सुविधा की आवश्यकता है उसके लिए श्रम करने की क्षमता अगर हम सब में है तो उसको मिलकर पूरा कर लें, मैं ही सबके लिए पूरा करूँ इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो टेम्पररीली है ना, अगर कुछ करना हो तो कर लें, बट ये 3-4 बातें हमको पहले से दिखाई दें कि इसका कोई तृप्ति बिंदु नहीं है जी। वो परिवार पहले एक समय होगा बस कार नहीं थी, अब कार आ गई है ना, लेकिन इंक्रीमेंटल शिफ्ट हुआ, बट अब उसमें एक और शिफ्ट चाहिए कि ऑल्टो नहीं अब वैगन आर चाहिए, वैगन आर नहीं अब स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट नहीं अब ब्रेजा चाहिए, ब्रेजा नहीं अब फॉर्च्यूनर चाहिए, वो तो चलता ही रहेगा।
हाँ भैया एक्चुअली ये स्थिति हो तो हमें नहीं, ये स्थिति अगर दिखाई देती तब तो हमें समझ में आया था, लेकिन ये स्थिति दिखाई नहीं देती। फैमिली इतनी डिमांडिंग नहीं है उनकी, और किसी चीज पे कोई डिमांड नहीं है। बस ये है कि कहीं कहीं वो पीयर्स प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर की वजह से कि एक स्टेटस की, स्टेटस मान्यता के आधार पर, कि और कुछ नहीं, बस ये एक एक डिमांड है, इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं नजर आती है। मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए, इसमें बहुत सिंपल उपाय है। अभी क्या होता है, हम उन लोगों के दबाव में आते हैं ना, जिनके साथ हमारा समझ को लेकर संवाद नहीं आता। तो क्या होता है, जब परिवार निकलता है और समाज में, तो और लोग गाड़ियों को देखकर एक दबाव बनता है कि हमें भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बट जब आप फॉर एग्जाम्पल उन्हीं लोगों का आप वर्कशॉप ले रहा हो बैठ कर, तो आप फिर उल्टा विचार करते हैं कि अगर मैं बात तो कह रहा हूँ कि शरीर की आवश्यकता सुविधा है, तो सम्मान की आवश्यकता इसे पूरी नहीं होती, और मैं खुद अगर ना इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। भैया यही तो आता है, ये उनके हाँ, और भैया यही आता है कि अंदर जब उल्टा दबाव बनता है। फिर रुकिए रुकिए, फिर उल्टा दबाव बनता है आपके ऊपर कि भाई अगर इन लोगों का मुझे वर्कशॉप लेना है तो ये ऑल्टो भी हटाना पड़ेगा शायद, है ना। नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो, जीना तुम्हारा ऐसा है। जी इसका एक भैया, सिंपल उपाय ये है कि आप जिन लोगों के दबाव में आ रहे हैं, या परिवार जिन लोगों के दबाव में आ रहा है ना, उनके बीच आप वर्कशॉप लेना शुरू करिए, ठीक। जी तो परिवार खुद ही अपनी जी भागीदारी तय कर लेता है। जी ये बहुत सिंपल है। इसके हाँ लिए भैया, गाड़ी मत हाँ बदलिए, अपने सोसाइटी में वर्कशॉप करना शुरू करिए। जी, वो चल भी रहा भैया, और इसीलिए इतना स्पष्टता से दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ये सब जो भी सुविधाएं भैया क्लियरिटी संयम के भाव के साथ में दिखाई देता है कि ये शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए ही हैं, और बहुत सारा बड़ा जो जंजाल उससे बाहर निकल जाते हैं इसी के साथ में। तो मैंने आपको उपाय बता दिया। उपाय ये है कि आप उन लोगों को वर्कशॉप करिए, फिर परिवार को भी लगता है इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जब इतनी सही बात हम कह रहे हैं समाज में जाकर, तो लोग तो मुझे पूछेंगे ही ना कि जब आप संवेदना सुखी होने को नहीं मानते कि एक निरंतर स्रोत हो सकता है, तो क्यों संवेदनाओं में लगे हैं। जब आप जी कह रहे हैं कि सुविधा सम्मान नहीं मिलता, तो क्यों आप जुटाने में लगे हैं। तो जी 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 मैंने आपको सिंपल से उपाय बता दिया, आप हाँ इसको हाँ लेके हाँ चलिए, है भैया, ना, जी समस्या जी नहीं रहेगी। जी भैया ठीक जी, थैंक यू है। भैया। जी, अशोक बेहरा जी का एक प्रश्न है कि सेफ्टी फीचर्स इन अ कार आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज विच कार। जी देखिए, अभी आप देखिए जितने भी बड़े कार एक्सीडेंट होते हैं, वो वही होते हैं जो बहुत हाई स्पीड पर चलने वाले होते हैं और उसमें ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं। तो मुद्दा सेफ्टी फीचर्स का कम है, मुद्दा है कि आप उस कार में बैठे कितने आवेश में आ जाते हैं। अभी वो टाटा मोटर्स के एक व्यक्ति का देहांत हुआ है ना, वो 140 या 160 की स्पीड पे, या शायद उससे और ऊपर स्पीड पे चल रहे थे। तो क्यों उतनी हाई स्पीड पे चल रहे हैं, वो इतने सारे सेफ्टी फीचर उस कार में थे जो दुनिया के 1% कार में ही होगा। जी, कोई अभी हम लोग सिर्फ प्रश्नों को ले रहे हैं भैया, कोई समस्या कोई भी बहुत हम लोग विस्तार में बात नहीं करेंगे। जी नहीं सर, विस्तार वाली बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ सर ये कहना था, ये जो हमारी प्री कंडीशनिंग इतने दिन की हुई है, जैसे नॉर्मली कहते हैं हमारी बेटी की शादी ऐसी जगह हुई है कि उसे रानी बनकर रहना, हाथ नहीं हिलाने, तो पहले से ही बच्चे के दिमाग में घुसा दिया, शादी तुम्हारी ऐसी जगह करेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो ये सब कामना करने जी की मैं सोचता हूँ साहब, ये वहां से दिमाग में इनबिल्ट होती गई पीढ़ी दर पीढ़ी। जो आदमी कामना कर रहे हैं या जिसके पास फिजिकल फैसिलिटी है, वो ही बड़ा आदमी है। समाज जी साहब यही माने बैठा, उसी का रिजल्ट आ रहे हैं सब ये। है ना, उसी को तो रिजॉल्व कर रहे हैं अभी। बढ़िया जी 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 जी, बढ़िया भैया। मेरा क्वेश्चन वो जो कृष्णा सर ने पूछा था उसी से ही रिलेटेड था। जैसे आपने बोला कि जो भी लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं उनके बीच में जब शिविर लेते हैं, तो वो अपनी उस आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाते हैं और अपनी भागीदारी भी दे पाते हैं। तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैं शिविर ले रही हूँ या मैं ये UHV पढ़ाती हूँ जब, और मेरे घर वाले जो है वो अपनी आवश्यकताओं का, पहली बात तो आवश्यकताएं सबके लिए अलग अलग होगी, तो अगर मेरे घर में ऑल्टो या कोई कार है तो मेरे पास अगर उसका रीजन मुझे पता है तो वो ठीक है, मतलब मुझे दूसरों को बताने की इतनी नीड नहीं है फिर उसमें, और क्योंकि आवश्यकताएं सबके लिए अलग अलग है, तो हो सकता है जो मेरा मिनिमम है वो किसी के लिए मैक्सिमम हो, जो किसी का मैक्सिमम है मेरे लिए मिनिमम हो, तो मेरी आवश्यकता मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है ना भैया, जैसे मैं उनके सामने अगर मेरे फैमिली मेंबर्स को मैं ये नहीं समझा पाई हूँ कि अपनी आवश्यकताओं का सम्मान और सामान अलग होता है, और ये सारी चीजें मैं नहीं समझा पाई हूँ, तो मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ मैं उनके सामने क्लियरली रख दूँ कि भाई
मैं तो अभी इसको जीने की पूरी कोशिश कर रही हूँ पर मैं नहीं जी पा रही हूँ, और या फिर मेरे आचरण से वो भी प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, पर कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। अगर मैं ऑनेस्टली उनके सामने रख दूँ पर ये कंटेंट बहुत अच्छा है और इससे मेरी लाइफ में धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है और इसमें टाइम लगेगा, तो ये भी तो किया जा सकता है। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि वो सर ने क्वेश्चन पूछा था ना कि कार लेके आती हूँ और मैं शिविर लेती हूँ, तो फिर वहां पे तो मैं बोल रही हूँ कि अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण खुद से करना है, बाहर से प्रभावित होके नहीं करना है, और मैं खुद मतलब ऐसी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो मतलब मैं कैसे उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, तो उसमें ये भी तो देखिए अभी क्या हो रहा है। जो बात हो रही थी, पहली बात तो ये कि हमको सुविधा की आवश्यकता स्वयं स्पष्ट है कि नहीं, ठीक। तो बात हुई, मुझे तो स्पष्ट है, परिवार को स्पष्ट नहीं है। परिवार जो है वो अड़ोस पड़ोस के दबाव में आता है, तो मैंने उसका एक आपको उपाय बताया कि आप समाज के साथ जुड़ के जीना शुरू करें, उसमें सही समझ सही भाव के लिए भागीदारी करना शुरू करें परिवार के साथ जुड़कर। तो परिवार को भी अपनी भागीदारी की दिखाई देती है, उसको भी दिखता है कि मुख्य मुद्दा बड़ी कार लाने का नहीं है, मुख्य मुद्दा सम्मान का है, और सम्मान सही समझ से मिलता है, सही भाव से मिलता है, कार लाने से नहीं मिलता है। तो मुद्दा कार का नहीं है, परिवार के लिए भी मुद्दा सम्मान का है। वो स्टेटस की जो मानसिकता बन गई है, जो मान्यता बन गई है ना, उसको रिजॉल्व करने का है। तो जहाँ पे समस्या वहां इसको समाधानित करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, ना कि हम उसके लिए अन्यथा कुछ प्रयास करेंगे। हाँ भैया, पर आपने वो सॉल्यूशन बताया था ना कि जो लोग इसके मतलब जो लोग आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं कर पा रहे, और तो उनके साथ शिविर लेने से मतलब ये सॉल्व हो सकता है, तो मतलब वो लोग जैसे कोई रिश्तेदार है, परिवार अगर नहीं देख पा रहा, तो परिवार के साथ आप बैठ के जब सही वस्तु रखते हैं तो परिवार को दिखाई देने लगता है कि अल्टीमेटली मुद्दा सम्मान का है, और वो सही समझ को शेयर करने से पूरा हो सकता है, सुविधा जुटाने से पूरा नहीं हो सकता। तो परिवार में भी इंटेंशन सबका साउंड है, बट कंडीशनिंग गलत हो गई है, स्टेटस लेके कंडीशनिंग हो गई है ना, उसको रिजॉल्व करने। परिवार में भी फिर किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, तो उस प्रोसेस में अगर हम यूएचवी के टीचर बन गए हैं या हम बाहर ऐसी बात बोलते, तो हम उनके सामने ईमानदारी से ये रख सकते हैं ना कि भाई मैं अपने परिवार में अभी तक इस चीज को नहीं जी पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, तो ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ, उसमें देखिए ऐसा भी नहीं कि परिवार में इसको नहीं जी पा रहा हूँ, भाई परिवार का दूसरा व्यक्ति है वो अपने आप में एक मनुष्य है ना, जैसे हाँ। परिवार के बाहर के व्यक्ति हैं, उनकी अपनी एक स्थिति है, अपना एक तरीका है जीने का, परिवार में भी है। तो परिवार के भीतर के व्यक्ति हो या परिवार के बाहर के व्यक्ति हो, है तो मानव ही, उनकी सहस्वीकृति एक है, उनमें समझने की क्षमता है, समझने का कार्यक्रम भी निश्चित है, ध्यान देते तो समझते हैं। तो हम ये भी अगर अपने ऊपर एक दबाव बनाते हैं ना कि अगर मुझे समाज में जाना है तो पहले परिवार में सारी चीजें लागू होनी चाहिए, ये भी एक दबाव है, ये भी एक परतंत्रता है। मुझे दिखाई दे रहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना, परिवार को दिखाई देगा, परिवार भी शेयर करेगा, परिवार अभी नहीं शेयर कर रहा, परिवार के बाहर के लोग शेयर कर रहे हैं। ये जो बहुत सारे तरीकों से हम अपने आप को ही बांध लेते हैं, दबाव में आ जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, परिवार में मेरा व्यवहार ठीक हो, परिवार में जो सुविधाओं का चयन मैं करता हूँ वो ठीक हो, क्योंकि वो मेरी समझ पर निर्भर है। बट परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, ये तो परिवार वालों के मान्यता या समझ पर निर्भर है ना। ये जो हम अपने ऊपर दबाव बनाते हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक चले तभी हम समाज में निकलेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। परिवार में भी ठीक जाएंगे, समाज में भी ठीक जाएंगे। कई लोग फंस जाते हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो हम समाज में कैसे जाएंगे, फिर ना वो ठीक हो पाते, ना समाज ठीक हो पाता, ना परिवार ठीक हो पाता है। जी भैया, भैया बहुत सही चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में तुरंत पैदा हुआ कि भैया सुख पाने की जो है समृद्धि और सुख, तो जैसे हमें कहीं कुछ कैश मिल जाता है, मतलब रिमुनरेशन, जैसा मैं कल हाइवा लेने के लिए गया तो जो मेरी सैलरी अच्छी है वो मेरे अकाउंट में जमा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो कुछ भी थोड़ा सा धन मिल रहा है, अगर वो कैश मिल जाता तो मुझे बहुत ज्यादा सुख होता है। लेकिन वही अगर उन्होंने बोल दिया कि सर अभी आप चले जाइए, ये आपके ऑनलाइन अकाउंट में जमा हो जाएगा, तो वहां पे मेरे सुख की भावना कम हो जाती है। थोड़ा डिस्कस करेंगे भैया इस पे प्लीज। जी, अभी हमको लगता है कि जो हमारी सैलरी मिल रही है वो कम है,
ठीक है ना? नहीं 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 भैया, एक मिनट एक मिनट, सैलरी बता रहा हूँ। तो एक तो हमें उसकी आशा बनी रहती है कि इसके ऊपर से भी कुछ आय होती रहे, और जो आय हो रहा है वो पूरा का पूरा हो जाए, ना कि उसका एक हिस्सा सरकार को चला जाए। तो हम इस बात से प्रभावित होते हैं। अभी हमको ये दिखाई दे कि जो भी हमें सुविधा को उपार्जन कर रहे हैं वो सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आवश्यकता या परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए नहीं है, समाज की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए। तो हम इस पर फिर ध्यान देते हैं कि मैं अपनी आय का एक भाग तो समाज के विकास के लिए लगा ही सकता हूँ। जी, तो अगर वो भाव हमारे अंदर रहता है, ठीक है ना, तो हमको दिखता है हम पहले से लगा रहे हैं, तो और मिल गया तो उसको और लगा देंगे समाज में। अब वो थोड़ा 30% कट गया तो कोई बात नहीं, जो 20% मिला उसको लगाएंगे, 30% और मिलता तो उसको लगाते हैं। और अगर हम नियमता देखें तो अगर है ना अकाउंट में जाना ही चाहिए, कैश मिल रहा है तो फिर हम वहाँ पे तो कुछ अनएथिकल तरीके से पैसा ले रहे हैं। अगर वो हमारे अकाउंट में जा रहा है उसमें TDS कट रहा है तो अच्छी बात है। अगर हम नियमता देखें तो ये तो अच्छी बात है, समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, हम सबको अपनी आय के ऊपर टैक्स देना होता है, और एक सीमा से अधिक कमाते हैं तो टैक्स देना अनिवार्य है, और वो आय जो हम कर रहे हैं विधिवत आ रहा है उसमें टैक्स भी दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं भैया मैं थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ। ये तो आपकी बात बहुत सही है कि हम कैश भी लेते हैं तो भी उसकी रिसिप्ट देना पड़ता है, वो हमारे TDS में जाता है, हर जगह वैसा ही है, सैलरी में से भी कर रहे तो ठीक है जी। हाँ मैं वही बोल, नहीं मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि जब भी हमको, मैं जनरल बोल रहा हूँ किसी की भी हो सकती है, जब भी हमें कुछ एडिशनल मनी हाथ में मिलता है या एडिशनल मनी मिलने की संभावना है या हाथ में मिलता है तो हमें खुशी हो जाती है, ये सही है भैया? सुख का भाव हमारा बढ़ जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हमारी मान्यता पर निर्भर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो एक मिनट मैं उसका रिवर्स एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे जेब से मैंने 100 का नोट रखा था और वो गिर गया, ठीक है, मतलब जैसा मुझे मिले तो खुश नहीं होना चाहिए, जनरल है समझो, लेकिन मेरा वो गिर गया, खो गया, किसी ने निकाल लिया, तो मुझे मेरा भाव कैसा होना चाहिए? उसमें मुझे बहुत दुख महसूस होता, अरे यार इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो गिर गया जी। तो भैया यहाँ पर दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्वालिटेटिवली कोई अंतर नहीं है, या तो गिर गया या हमने जाकर मान लीजिए कहीं को गिरा ही दिया, हमने कुछ ऐसी चीज खरीद ली जो आवश्यकता नहीं है तो गिरा दिया, तो दोनों में क्वालिटेटिवली कोई अंतर नहीं है, है ना? हो सकता है जो गिर गया उससे कोई अपनी आवश्यकता पूरी करेगा, और हमने जो गिरा दिया वो न मेरी आवश्यकता भैया यही है, बस 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 समझ गया। इसमें जो भी है लोग समझ नहीं पा रहे यार, 15-15 मिनट डिस्कशन हो रहा है, यही है, यही मैं सुनना चाहता था भैया, जो गिर गया ना उससे कोई तो भी और सुखी हो रहा है उससे मुझे सुख होना चाहिए, राइट भैया? मतलब ऐसा नहीं करो कि आप पैसा गिरने दे, बट यदि गिर गया तो कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रहे गिरा तो नहीं रहे कहीं जाकर, है ना? अभी हम देखे हजारों लाखों रुपया फेंकते रहते हैं इधर उधर संवेदना से सुख पाने के लिए, यस यस भाव पाने के लिए, जी भैया गिरा ही रहे हम पैसा वहां पे। अच्छा, गिरा ही रहे हम पैसा, है ना? नहीं, लेकिन जब वो फिजिकली, भैया ये मैंने मानना है, फिजिकली अगर हमको कोई रिमुनरेशन मिलता है या कोई फिजिकली हमारे जेब से कुछ गिर जाता है तो भैया कितना भी हम अपने आप को संभाल के रखे, हमारे दिल को समझा या जो भी सेल्फ है, लेकिन वो थोड़ा सा सुख दुख का भाव मेरे ख्याल से अभी हम अपने आप को जल्दी समझदार ना माने, अभी अपने ऊपर काम करना काफी बाकी है ना, उसको ध्यान में रखें। जी जी भैया जी, पैसे गिरने ना दे, धन्यवाद जी भैया जी, नमस्ते भैया जी। बढ़िया बढ़िया भैया, तो बढ़िया, हम लोगों ने सुविधा की आवश्यकता को लेकर और कैसे उससे परिवार में संबंध जुड़े हुए होते हैं और कैसे हम समझ या समझ के अभाव में है ना अप्रभावित रहते हैं या प्रभावित होते हैं, उसमें बहुत सारी चर्चा की। ये हम सबके लिए सहयोगी होगा आगे के मूल्यांकन के लिए। इसके साथ अब हम लोग थोड़ा मैप और विस्तार से चर्चा करते हैं। जितने भी प्रश्न आए सारे वैलिड हैं, कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं, आपके प्रश्नों को भी लेंगे और हम लोग अब इसको आगे सेल्फ एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो हम लोग अभी हायर एक्टिविटीज की बात करने वाले हैं जी। इससे बात पहले भी हुई है, इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली देखें इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी जो संवाद हो रहा है उसमें भी, और इन जनरल सेल्फ एक्सप्लोर करते हुए, वर्कशॉप अटेंड करते हुए, मीटिंग अटेंड करते हुए, हम एक सेल्फ इवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पहले हमारी स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल ही जीव चेतना में जी रहे थे, आशा के स्तर पे जी रहे थे,
उससे आगे बढ़े तो हमारे अंदर विचार और इच्छा भी पुष्ट हुई। अब उतना फैल कर हम सोच पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं। पहले जहाँ सिर्फ दूसरे से कुछ अनुकूल भाव पाने के लिए या कोई अनुकूल संवेदना पाने के लिए हम झट से कोई निर्णय ले लेते थे, अब उसके पीछे विचार भी कर रहे हैं कि ये उचित है, अनुचित है ना, क्या रैशनल है, इरैशनल है, ठीक है ना, डेफिनेट है, इनडेफिनिट है, बहुत सारा विचार कर रहे हैं। उससे और ऊपर जाकर हम अपने भाव पे भी ध्यान दे रहे हैं कि अल्टीमेटली मुद्दा तो है क्या यहाँ पे, तो मुद्दा समृद्धि के भाव का है, मुद्दा सुख के भाव का है, तो उस पर अभी हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा धीरे धीरे एक विकास हो रहा है, परंतु इसको परिमार्जन नहीं कहेंगे। परिमार्जन तब है जब वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो एक तैयारी चल रही है हमारी, है ना, आशा से उठ के ऊपर विचार में भी एक्टिव हुआ, विचार से उठ के ऊपर इच्छा में एक्टिव होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हम सबकी स्थिति लगभग इस प्रकार की है कि अपने भाव के स्तर पर जो जीने वाला अभ्यास है अभी नहीं है या कम है, उसको पुष्ट कर रहे हैं। जब तक भाव के स्तर पर जीने का अभ्यास नहीं बनता, ये विचार के स्तर पर बहुत सारा गहमा गहमी, उथल पुथल, है ना, उलझन, ये सब बना रहता है। तो हमने अभ्यास एक में भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। अभ्यास दो में भी हमने जो संवेदना मिल रही है शरीर से, उसको मैं जो अर्थ दे रहा हूँ, किस भाव के साथ दे रहा हूँ, किस संस्कार के आधार पर दे रहा हूँ, उसको ध्यान देने का अभ्यास किया। तो एक तैयारी चल रही है। इस क्रम में फिर हमें जैसे जैसे कोई भाव दिखने लगता है ना, उतना हमारे अंदर सुनिश्चित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो चिंतन में कोई भाव हमको स्पष्ट हुआ, उसके साथ बोध में वो स्पष्टता हो गई। तो इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से देखें तो ऐसा नहीं कि चिंतन आपका पूरा हो गया तब जाकर बोध पूरा हुआ। यहाँ जो कहने का आशय ये है कि चिंतन में हमको कोई भाव स्पष्ट होता है तो बोध में उसकी स्पष्टता बनती है, और कोई भाव चिंतन में स्पष्ट होता है फिर आगे बोध में और उसकी स्पष्टता होती है। तो ये चिंतन में स्पष्टता क्रमशः बढ़ती जाती है, उसके साथ बोध में स्पष्टता क्रमशः बढ़ती जाती है, उसका जो संकल्प की क्रिया है वो अवेकन होने लगती है कि हाँ इसी प्रकार से जीना है। जैसे अभी जितनी बात हुई, तो अगर हमें मैं और शरीर का अंतर ठीक से स्पष्ट हो जाए, उसका बोध हो जाए, समृद्धि का भाव का हम स्पष्ट रूप से देख पाए, समृद्धि क्या है ना, संयम के भाव को देख पाए, संबंध के भाव को देख पाए, तो उतने की व्यवस्था भी स्पष्ट होती है, व्यवस्था में भागीदारी भी स्पष्ट होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम किसी ऐसे स्थिति में भी आ पाते हैं जहां हमें पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में दिखाई देता है, जो हमारी वांछित स्थिति है। वहां जाकर जो मानव चेतना में जीना है उसकी पूर्णता होती है। तो वहां एक बार पहुंच के फिर उसके आधार पर जिएंगे। उससे पहले जीव चेतना है ही, तो हम सभी जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण कर रहे हैं, और इस संक्रमण में लगभग लगभग देखें तो सबकी स्थिति वैसी रहती है, विचारों में उलझन है, द्वंद है ना, संवेदनाओं से सुखी होने की आशा बनी हुई है, दूसरे से कोई अनुकूल भाव पकड़ जीने की आशा बनी हुई है। अब वो धीरे धीरे समीक्षित हो रहा है, मूल्यांकित हो रहा है, उसमें विचार और एक्टिव हो रहे हैं, हम उसको अपने आप में जांच पर रख रहे हैं, हम उसको तर्क के आधार पर भी तौल रहे हैं, उसमें तुलना भी करके देख रहे हैं ये ठीक है कि वो ठीक है, उसके साथ भाव को भी चित्रित कर रहे हैं। तो अभी हम सब ये जो रेड लाइन है ना, उसके नीचे काफी कुछ मेहनत कर रहे हैं। एक समय के बाद हम फिर इसको क्रॉस भी करने लगते हैं, हमारे अंदर अवेकनिंग होने लगती है हायर लेवल एक्टिविटीज की, ये काम अभी हम करने में लगे, यही हमारा इवोल्यूशन है एज ए ह्यूमन बींग। तो इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें हम, ये इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम कहाँ खड़े हैं। अभी हम सिर्फ आशा के स्तर पे जी रहे हैं, या विचार को भी हम ठीक से कर पा रहे हैं, या भाव के स्तर पे जी रहे हैं, भाव को अपने आप में हम ठीक से पहचान पा रहे हैं, खाली अभी सुनिश्चित नहीं हुआ, कम से कम पहचान तो पा रहे हैं। जैसे अभी जितनी बात हो रही थी सुबह से, तो हमको ये दिखाई दे कि मुद्दा भाव का है, सुविधा का नहीं है, और भाव की आवश्यकता सुविधा से नहीं पूरी होगी। हम चाहे एक तरह की गाड़ी में बैठे या दूसरी तरह की गाड़ी में बैठे, जो भाव मिलेगा ना तो उसमें निश्चितता है ना निरंतरता है, नहीं जी। तो आज के लिए इतना ऑब्जर्व करें, इसके आगे हम लोग सेल्फ की एक्टिविटीज को ओपन अप करेंगे, और उस पर पहले भी बात हुई है, उसको हम लोग एक बार जरूर फिर से दोहरा लेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न उस पर बनेगा तो उसको ले लेंगे। हाँ, मेरा वो प्रश्न कह रहे थे ना, नगद मिलते हैं तो और भाव हो जाता है, तो मैं जैसे कल शहर गया था तो गाड़ी ठीक करवाई, तो मैंने उसको कहा गूगल पे कर देता हूँ, तो वो कहने लगे भी गूगल पे नहीं, मेरे को तो नगद दो। वो भैया जाएंगे तो आपके पास ही, बोले नहीं नहीं मेरे को नगद दो, तो मैं फिर हंस के मूवी ले। जी भैया, ये तो अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है ना, कि हम ट्रांजेक्शन कैश में करना पसंद करते हैं या फिर इस क्यों करते हैं, उसके पीछे भाव क्या है उसको देख लें।
लेकिन अभी सुविधा को लेकर इतना आकर्षण बना हुआ है ना, उसके लिए सुविधा हमको कैश से मिलता है या पैसे से मिलता है, तो पैसे को लेकर इतना सारा आकर्षण बना हुआ है। अभी धीरे धीरे हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट होने की जरूरत है। हमको दिखाई दे जीने में मुख्य मुद्दा सुविधा का नहीं है, समझ का है, भाव का है। इनफैक्ट जब से ये डिजिटल ट्रांजेक्शन शुरू हुए हैं तब से तो सुविधा का हिसाब किताब रखना या ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब रखना और आसान हो गया। पहले जहाँ कैश में दे देते थे और ध्यान नहीं रहता था, और फिर उसको हिसाब किताब लिखने बैठते थे तो याद ही नहीं आता था कितना पैसा कहाँ खर्च हो गया। अब जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उतना हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से तो बहुत आराम हो गया, उतना पैसा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे मानने पर निर्भर है कि कैश में ट्रांजेक्शन को लेकर प्रसन्न होते हैं या फिर हम डिजिटल ट्रांजेक्शन से प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई ऐसा निश्चितता निरंतरता नहीं है और ये मुख्य मुद्दा भी नहीं है। आप म्यूट कर ले थोड़ा, आवाज आ रही है। ये मुख्य मुद्दा भी नहीं है, मुख्य मुद्दा तो भाव का है और भाव में निश्चितता समझ के साथ होती है, ये अपने को दिखाई दे। जी आज की चर्चा यहाँ रोक लेते हैं, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें कि हम कहाँ खड़े हैं इस पूरे क्रमशः जो एक बना हुआ है, क्रम बना हुआ है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं, इसको अपने आप को ऑब्जर्व करना। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं अपना राइट इवोल्यूशन कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं आशा के स्तर पर जीता हूँ या विचार के स्तर पर या भाव के स्तर पर या समझ के स्तर पर। ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर समझ का स्तर है, उससे पहले है ना आशा विचार इच्छा का स्तर है।